हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गैप गुरु चैनल। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आप लोग मेरे वीडियोस को इतना पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो एक ऐसा स्टॉक है जो कि उसके प्रोडक्ट का फ्यूचर है और जितने भी अभी स्मार्ट सिटीज़ और टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में यूज़ होने वाले इनके प्रोडक्ट्स हैं और फ्यूचर में ग्रोथ है काफ़ी, ऐसे कंपनी का बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और फ्यूचर हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में सब हर कुछ डिजिटली हो रहा है, तो जो भी डेटा कम्युनिकेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए, तो वो डेटा कम्युनिकेशन इस सबसे बड़ा रॉ मटेरियल समझिए कि आने वाले टाइम में रहेगा और कम्युनिकेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन वो सर्विस वो बहुत फास्ट होना चाहिए। जैसा कि अभी इंडिया में 2G 3G आया, 4G चल रहा है, तो अभी 5G आने का जो प्लान है, तो सब ऑप्टिकल फाइबर पे ये सब कम्युनिकेशन होगा, तो ऑप्टिकल फाइबर क्षेत्र से ये स्टॉक है। तो इसमें दो न्यूज़ है बड़ी बड़ी इस स्टॉक का, और स्टॉक काफ़ी छोटा है, काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि इसका इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचा दूं। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं इस स्टॉक के बारे में। उससे पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर हिट करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला न्यूज़ ये है स्टॉक का कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस स्टॉक को 148 करोड़ का ऑर्डर मिला है दो जगह से। इसको एक तो इसको मॉरिशस से मिला है, यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं कि दिसंबर 24th का है, और तो यहाँ पे 148 करोड़ का L&T के तरफ से ऑर्डर है जो कि सेटअप करेगा टेली कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर मॉरिशस मेट्रो एक्सप्रेस एंड ढाका मेट्रो मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए। इनको 148 करोड़ का दो प्रोजेक्ट मिले हैं, तो कंपनी में इसके स्टॉक में भी आज इसको 1.5% आप उछाल देखने को मिला और आने वाले टाइम में भी इस स्टॉक में उछाल मिलेगा क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे गया हुआ, अभी बिल्कुल अट्रैक्टिव प्राइस पे है। तो वो भी मैंने एनालाइज करके आपको बताऊँगा, यहाँ पर उसका फाइनेंशियल और टेक्निकल भी देखेंगे हम लोग कि कैसा है। तो ये एक न्यूज़ है। दूसरा इसका नवंबर का न्यूज़ है कि यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी भी ग्रो कर रही, काफ़ी शानदार ग्रो कर रही है। ये यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी ऑलमोस्ट 100% 97.64% का अप देखने को मिला है यहाँ पे इस क्वार्टर में। सितंबर 2018 क्वार्टर में 1,137.41 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि पिछले साल इस क्वार्टर में सितंबर में कंपनी 575 करोड़ का नेट सेल्स था और इस सितंबर में बन के ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया है, तो कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि टेली कम्युनिकेशन और ये सब चीज़ों का ज़माना आने वाला है, डेटा कम्युनिकेशन पहले पोस्ट सर्विस से हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करते थे और धीरे धीरे टेली कम्युनिकेशन में तरह तरह का नए नए सिस्टम नए नए चेंजेस आते गए और उस हिसाब से टेली कम्युनिकेशन भी फास्ट होते जा रहा है। तरह तरह जैसे 2G आया, 3G, 4G, अब 5G पे 4G चल रहा, 5G भी अब तुरंत आने वाला है, तो वो सब चीज़ों में डेटा कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होने वाला है, तो उसी में यूज़ होता है ये ऑप्टिकल फाइबर। उसमें जितने भी यूज़ होने वाले टाइप्स के केबल्स होते हैं ये कंपनी बनाती है, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके, इसके वेबसाइट पर भी चल के दिखाऊंगा ये कंपनी का जो काम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आगे मैं कंपनी का दिखा सकता हूँ यहाँ पर। तो कंपनी के देखिए इस तरह का ऑप्टिकल फाइबर्स और उससे रिलेटेड, टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। तो यहाँ पे आपको एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी में ही दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे जो केबल्स बनाती है कंपनी, यहाँ पे देख सकते हैं उसके टाइप्स हैं, एरियल केबल्स हैं ये आप देख सकते हैं, एरियल केबल्स, और दूसरा जो है कि एमॉट केबल्स है तो ये है, और तीसरा जो FTTX केबल है, तो इस तरह का इनका प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पे देखिए माइक्रो केबल्स है ये तो, और यहाँ पे देखिए अनमोड केबल्स है यहाँ पे। तो उसके अलावा और भी सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको एक एक करके। आप टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में आप अगर देखना चाहें तो माइक्रोवेव रेडियो का भी निर्माण कंपनी करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पे इसके कंपनी के होम पे अगर हम जाते हैं तो
कंपनी के बारे में भी बता दूं थोड़ा सा, ये लगभग 3 डिकेट्स पुरानी कंपनी है, ऑलमोस्ट 30 साल पुरानी कंपनी है, तो काफ़ी बढ़िया है। और ये जॉइंट वेंचर है, आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये जॉइंट वेंचर चलता है ये कंपनी। यहाँ पे देख सकते हैं, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ केब ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, तो इस नाम से है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि HFCL इन जॉइंट वेंचर विथ ए कैनेडियन इंटरप्राइज, ड्रैगन वेब सप्लाइज फुल रेंज ऑफ पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोवेव रेडियो लिंक्स। तो ड्रैगन वेब जो कैनेडियन कंपनी है, उसके साथ भी इसका जॉइंट वेंचर चलता है इसका। तो अभी आपको बहुत सारे रोड साइड में आपको देखते होंगे कि काफ़ी मोटी मोटी वायर जो कि इंसर्ट करके रोड साइड से निकाले जाते हैं, तो उस तरह का इनका काम है। यहाँ पे देख सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, वी सर्व टेली कम्युनिकेशन, रेलवेज, सेफ एंड स्मार्ट सिटीज़ और डिफेंस। तो इतने सारे काम है कंपनी के पास, कई तरह के काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो कि ग्रोथ है रेवेन्यू में 2012 से 15 में लगभग 114% का है। और यहाँ पे देख सकते हैं EPS में जो ग्रोथ आपको है, यहाँ पर 210% का, 159% का इसका नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है 2012 से 15 तक। यहाँ पे ये ओवरव्यू दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको ज़्यादा डिटेल्स अगर देखें जानना होगा तो इसके वेबसाइट पर चले जाइएगा और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालाइज करने के लिए। तो आप कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सस्ते में अवेलेबल है, 21.15 का इसका करेंट मार्केट प्राइस है। आज ये कंपनी 1.44% का आपको आप देखने को मिला। कंपनी में वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, क्या ही दहाई, 11,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 36 लाख, 36 लाख, 76,000 का ये इसमें वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम भी काफ़ी शानदार है। मनी कंट्रोल का सेंटीमीटर भी देख सकते हैं, 79% बाई और 15% सेल और 6% होल्ड का रुझान है कंपनी में। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, अभी जो गिरावट देखने को मिला है, तो कंपनी हाई लगाया था यहाँ पे 36 रुपये, उसके बाद कंपनी नीचे काफ़ी कुछ नीचे देखने को मिला है इसमें। और करीब करीब 17 के आसपास कंपनी ने लो बनाया था। उसके बाद कंपनी ने दो न्यूज़ आया यहाँ पे देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इसका 100% का जंप रहा वो देखने को मिला। दूसरा न्यूज़ ये था जो अभी बताया मैंने कि जो 148 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला, जिसकी वजह से देखिए कंपनी यहाँ से लगातार कंपनी में यहाँ से आपको अब कंपनी में मूवमेंट देखने को मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप कंपनी का 5 साल का चार्ट देखते हैं, तो कंपनी 2013 में कंपनी करीब करीब 7-8 रुपये के आसपास था। उसके बाद कंपनी ने हाई लगाया था 36-37 रुपये के आसपास। तो करीब करीब 5 साल में ये कंपनी 5 गुना रिटर्न दी है। और मैं इसका थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं, जैसे मार्केट कैप है तो कंपनी स्मॉल कंपनी है ये, करीब करीब 2643 करोड़ का मार्केट कैप है। EPS 1.51 का EPS है और P/E भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छा है, 20 से नीचे है, 14 का P/E है। इंडस्ट्री P/E वहीं पे देखिए 29.4 का इंडस्ट्री P/E है। और बुक वैल्यू देखिए कंपनी का, जो बुक वैल्यू 9.76 का बुक वैल्यू है। और अगर थोड़ा सा मैं पिछले लास्ट 4 क्वार्टर का अगर रिजल्ट देखना चाहूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 17 में ये कंपनी ने 45.48 का करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दर्ज किया था। उसके बाद मार्च 18 में करीब करीब 58.75 करोड़ का, उसके बाद 44.36 का इसने प्रॉफिट, क्वार्टर टू क्वार्टर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। और कंपनी के अगर डेट देखें तो 237 करोड़ का डेट है, वहीं पे नेटवर्थ जो है कंपनी का 1276 करोड़ का नेटवर्थ है। तो कुल मिला के यहाँ पर तक तो डे इसका फाइनेंशियल ठीक है। अगर वहीं पे शेयर होल्डिंग फंड देखें तो 38% इनका प्रोमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में बना के रखा हुआ है। अगर मैं कंपनी का प्लेस देख लेता हूँ कि कोई इसका शेयर कोई गिरवी वगैरह तो नहीं इनके प्रोमोटर रखे हुए हैं, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा इनका जो प्रमोटर है MN वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि उनके पास 19.23% का होल्डिंग है। तो उन्होंने उस होल्डिंग में से ऑलमोस्ट 71% का इनका जो स्टेक है वो
प्लेस्ड कर चुके हैं, उन गिरवी है। ये थोड़ा सा निराशाजनक है इस स्टॉक के लिए। तो अगर मैं यहाँ क्वांटिटी भी देख सकते हैं, इनके पास इतने क्वांटिटी है, उसमें से ये क्वांटिटी इन्होंने माइनस कर रखा हुआ है, जिसमें से ये समझिए कि आप ये कंपनी गिरवी रख दिया है। तो ये एक थोड़ा सा है। उसके बाद दूसरा है जो यहाँ पे 0.04% इनका जो स्टेक है, आनंद नाहटा, उन्होंने भी 51% उस इसमें से ये स्टॉक को प्लेस कर रखा है। उसके बाद जो तीसरा है, जो इसमें दूसरे बड़े होल्ड प्रमोटर हैं, जो इनका नाम है नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 17.13% का होल्डिंग है। उस होल्डिंग में से इन्होंने 56.38 का हुआ इसमें प्लेस्ड किया है। तो इसमें एक एक नेगेटिव चीज़ है कि जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो प्लेस्ड है। कोई बात नहीं, मैं अगर आगे मैं इसका थोड़ा सा और एनालिसिस कोशिश करूँगा कि इसमें म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्टेड हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड अभी इन्वेस्टेड नहीं देखने को मिल रहे, इन्वेस्टेड नहीं है। थोड़ा सा मैं इनका और खंगालने की कोशिश करता हूँ इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डिंग पैटर्न में जा करके, तो वहाँ से मिल जाएगा कि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर इसमें कितना इन्वेस्टेड हैं। हाँ, तो यहाँ से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैंने बताया कि 38.3% का होल्डिंग प्रमोटर का है। उसी में अगर हम लोग डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखें 1.5% का है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर का अगर हम लोग देखते हैं तो 4.71% फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड हैं। और इसमें जो और उसके अलावा जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पब्लिक शेयर होल्डर है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, एमकेजे इंटरप्राइजेज़ है, और आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाद आप यहाँ पे जीआरडी सिक्योरिटीज़ है, आईडीआईबी बैंक है। तो इनके ये बड़े पब्लिक शेयर होल्डिंग है इनके इस स्टॉक के। अगर मैं एनुअली इसका देख लूँ कि इसका ग्रोथ कैसा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनुअली इनका ग्रोथ रेवेन्यू में आप देख सकते हैं 2012 मार्च से, तो 261 करोड़ का रेवेन्यू था 2012 में। उसके बाद कंपनी शानदार रेवेन्यू में जंप दिखाया, उसके बाद 6,600, उसके बाद 2019 करोड़ का है, उसके बाद 2553 करोड़ का है, उसके बाद 2580 करोड़ का है, उसके बाद 2131 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया है। उसके बाद मार्च 18 तक का इसका जो रेवेन्यू है वो है 3230 करोड़ का। और वहीं पे कंपनी का अगर मैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात करूं, तो जहां मार्च 12 में 2012 में -66 करोड़ का प्रॉफिट लॉस में कंपनी थी, उसके बाद कंपनी रिकवर होते और अच्छा यहां पे प्रदर्शन दिखाया है। उसके बाद 13 में 56 करोड़, 475 करोड़, 323 करोड़, 156 करोड़, 122 करोड़ और 167 करोड़ 2018 में इसने प्रॉफिट दर्ज किया है। तो और इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिला है। और वहीं पे अगर रिज़र्व की बात करें तो 1,009 करोड़ का रिज़र्व है कंपनी के पास। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग फंड है वो 1,151 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर जो डेट है, डेट रेशियो में अगर देखें तो काफ़ी कम है, लेकिन कंपनी के पास 468 करोड़ का है इसके पास डेट है। और ईपीएस कंपनी का अगर चेक कर लेते हैं तो ईपीएस में ग्रोथ हुआ है कि नहीं, तो कंपनी का ईपीएस बीच में अच्छा हुआ था, 3.7 का ईपीएस था। उसके बाद ईपीएस में प्रॉफिट आपको कम देखने को मिला है, 2.57, 1.26, 0.99 और अभी ईपीएस चल रहा है 1.35 का। तो कुल मिला के ये कंपनी हर अच्छा है और फ्यूचर में अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इनके प्रोडक्ट काफ़ी डिमांड है। बाकी आप एनालिसिस खुद करें और बिना अपने एंड से एनालाइज किए बगैर किसी कहने पे इन्वेस्ट ना करें। अपनी तरफ से पूरे तरह से एनालिसिस करने के बाद ही थोड़े थोड़े मात्रा में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।